और बात जोधपुर की, जोधपुर के विकास में जोधपुर विकास प्राधिकरण की अहम भागीदारी रहती है। नई आवासीय कॉलोनियां बसाने से लेकर सड़कें बनाने के अलावा भूखंडों के पट्टे जारी करने जैसा काम का दायित्व प्राधिकरण की टीम पर होता है। 5 महीने पहले राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मेघराज सिंह रत्नू ने प्राधिकरण के आयुक्त के रूप में अपना दायित्व संभाला था, जिसके बाद से शहर में कई विकास कार्य प्रगति पर है। फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम हमेशा अलग अलग विभाग में जाकर रियलिटी चेक करती है। इस वक्त हम है जोधपुर के जोधपुर विकास प्राधिकरण के उस कार्यालय में, जहां पर मेघराज सिंह रत्नू जो कि यहां पर कमिश्नर है, 5 महीने मेघराज सिंह को जोधपुर में हो गए हैं। 5 महीने का रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो क्या लबोलबाब विकास के लिहाज से आपके खाते में दर्ज है? देखिए राजीव जी, जब मैंने ज्वाइन किया था तब JDA पे 5 करोड़ का ओवरड्राफ्ट था, 5 करोड़ का लोन ले रखा था। तो आने के बाद कुछ हमने रिको से पैसे लिए, कुछ हमने लीज मनी रिकवर करने की कोशिश करी। गवर्नमेंट ने छूट दे रखी थी, उसका प्रचार प्रसार करके और जो बकाया लीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा जमा कराने के लोगों को मोटिवेट किया। और इसके अलावा हमने भूखंडों की नीलामी की, अभी फरवरी में कार्यक्रम जारी किया था 3 फरवरी को। 3 फरवरी से अब तक 16.5 करोड़ की हम नीलामी कर चुके हैं, प्लॉट नीलाम कर चुके हैं। और आज GD की स्थिति, आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधरी है। इसके अलावा जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणाएं की गई थी, जिसमें एलिवेटेड रोड है, जोजरी का रिवर फ्रंट है या सारण नगर की 100 फीट रोड है, तो इनकी हमने DPR फाइनल स्टेज पे है, हमने इन्वाइट कर ली, बना ली है। इसके अलावा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हर बुधवार को मीटिंग होती है और जोधपुर के कामों का रिव्यू होता है सभी विभागों का। उसमें JDA के जिम्मे जो काम आते हैं, चाहे गौशाला मैदान में डेवलपमेंट वर्क्स है, चाहे कायलाना की रिंग रोड बनाने का इशू है, एक ऑडिटोरियम हम बनाने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में, वो लगभग 30 करोड़ या 50 करोड़ की लागत का अभी ऑप्शन चल रहा है, जिसमें 1500 से 2000 आदमियों के बैठने की व्यवस्था होगी, सारी फैसिलिटीज़ होगी उसमें, जो बिड़ला ऑडिटोरियम में अपन देखते हैं जयपुर में, उस स्तर का हम यहाँ ऑडिटोरियम बनाने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में। अगर सड़क की बात करें, PWD भी है, नगर निगम भी है, JDA भी है, JDA के हिस्से में जितना क्षेत्र आता है नई सड़क या रिपेयर को लेकर के विकास की बात करें तो क्या लबलबाब सामने आया है? JDA रीजन में लगभग पिछले 4-5 महीने हमने 80 करोड़ की सड़कों का सुदृढ़ीकरण निर्माण वगैरह किया है, और अभी भी हम आज भी रिव्यू किया था और जो जो सड़कें अभी टूटी फूटी हालत में है या जहां पे कंप्लेंट आ रही है, जहां जनप्रतिनिधियों की डिमांड आ रही है, उनको हमने हमारे एक्शन को भेज के सबको फिजिकली वेरीफाई कराया है और प्रायोरिटाइज कर दिया कि ये सड़कें तुरंत ठीक करानी है, इनमें थोड़ा बहुत रिपेयर है या कुछ सड़कों को हम नेक्स्ट फेज में ले सकते हैं, तो सारी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक दिन में कितने लोग आपसे मिल लेते होंगे, कितनी शिकायतें ऑनलाइन आ जाती होगी, उनका निस्तारण का क्या सिस्टम है? देखिए, जो संपर्क पोर्टल पे हमारी 6178 शिकायतें दर्ज थी, उसमें से हमने 5715 का डिस्पोजल कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय से भी लोग आते रहते हैं, उनकी शिकायतें आती रहती है, वहाँ से पत्र आते रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी जोधपुर से बिलोंग करते हैं, तो हर आदमी का टच वहाँ है, तो वहाँ से जो कंप्लेंट आती है उसका हम समयबद्ध निस्तारण करते हैं। इसके अलावा CM साहब जब यहाँ पधारते हैं तो उस समय भी काफ़ी परिवाद लोग उनको प्रस्तुत करते हैं, उनको भी हम समयबद्ध तरीके से और उसका हम निस्तारण करते हैं। और डे टू डे जो लोग मिलने आते हैं तो उनको हम कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याओं का निदान हो। हिसाब से अगर बात करें तो नई स्कीम्स क्या आ रही, क्योंकि जनता विकास के साथ नई स्कीम चाहती है, रहवासी योजना, ऐसा कुछ प्लान? 2 आवासीय योजना हम ला रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट नगर ला रहे हैं मोगड़ा में पाली रोड पर, और एक हम महात्मा गांधी नगर है, ये जो पुराना जो सुंदर सिंह भंडारी नगर है उसके सामने करीब 700-800 प्लॉटों की योजना है, उसका हम रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस चल रहा है। और इसके अलावा हम और नई संभावनाएं तलाश रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारी JDA की लैंड उपलब्ध है उसके आसपास की लैंड को हम क्लब करते हुए बड़ी आवासीय योजनाओं के लिए हम प्लानिंग चल रही है। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपूत डे टू डे मॉनिटरिंग करते हैं, और ऐसे में जब यहाँ के आयुक्त अपनी टीम के साथ इस तरीके से कोशिश करें कि आर्थिक स्थिति JDA की ठीक हो जाए, तो उम्मीद की जा सकती है कि अभी तो 5 महीने का वक्त हुआ है, 1 साल पूरा होने के बाद कह सकते हैं कि JDA की कब्र भी सीधी हो जाएगी, और जब 2 योजनाएं जब आगे बढ़ेंगी तो उससे आय भी शुरू हो जाएगी। स्वर्गीय मान सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।